नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। रात के 11 बज रहे हैं और राबड़ी आवास के बाहर ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय धरने पर बैठ गए हैं। बारिश हो रही है, उसके बावजूद चंद्रिका राय धरना दे रहे हैं। उनके समर्थक उनके साथ हैं। चंद्रिका राय का कहना है कि वो आखिरी लड़ाई लड़ेंगे और इसीलिए वो 10 सर्कुलर के सामने बैठ गए हैं। कुछ ही देर पहले उन्होंने ऐश्वर्या को समझा बुझा कर घर भेजा। सुबह से बारिश में ऐश्वर्या भींगी हुई थी और उनका आरोप है कि उन्हें कल रात से ही कुछ खाने को नहीं दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये 10 सर्कुलर रोड यानी कि लालू राबड़ी आवास के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर चंद्रिका राय धरना दे रहे हैं। आपको बता दें कि चंद्रिका राय का आरोप है कि लालू परिवार जो है उनकी बेटी को परेशान कर रहा था और यह मामला कोर्ट में भी है, लेकिन जब आज हद पार हो गई, ऐश्वर्या को घर से बाहर निकाल दिया गया और गार्ड ने उनसे बदतमीजी की, गेट नहीं खोला, यह तमाम आरोप ऐश्वर्या ने लगाए। उसके बाद मीडिया के सामने उन्होंने अपना दर्द बयां किया। हमारे सहयोगी आलोक भी वहां मौजूद थे। इस तस्वीर को भी उन्होंने ही हम तक पहुंचाया है। 10 सर्कुलर रोड के बाहर की तस्वीर है। चंद्रिका राय अब अपनी बेटी के साथ पूरे समर्थन में खड़े हैं और 10 सर्कुलर रोड के बाहर धरना दे रहे हैं। आर पार की लड़ाई कही जा रही है। जब महिला हेल्पलाइन की स्टाफ 10 सर्कुलर पहुंची थी तो राबड़ी देवी ने यह कहा कि वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं, उन्हें खतरा महसूस हो रहा है, इसीलिए उन्होंने किसी से मुलाकात नहीं की। आपने सुबह देखा जब ऐश्वर्या रो रही थी मीडिया के सामने, उनकी माँ पूर्णिमा राय भी वहाँ पर थी, पिता चंद्रिका राय भी थे। उनका कहना था कि वो पहले से ही इस शादी के पक्ष में नहीं थे, मगर शादी हुई और बार बार जब उन्होंने मान मनोबल करने की कोशिश की तो यह बात कही जाने लगी कि तेज प्रताप जहर खा लेंगे, इसीलिए उनसे कोई बात नहीं हुई। बावजूद इसके आज जो लालू परिवार में ड्रामा है वो बढ़ता ही जा रहा है। रात के 11 बजे बारिश में चंद्रिका राय 10 सर्कुलर रोड के बाहर धरना दे रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। अब देखना है कि बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की लड़ाई कहां तक जाती है। आप बने रहें लाइव सीरीज के साथ। हर खबर हर अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हटा दी ना, शैडो खत्म हो गया।